व्यक्ति ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक है, तो मैं कहना चाहूंगा अरे ओवैसी हम इज़राइल के साथ हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ जो दोष रहेगा हम उसके साथ है, और जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा उसका नामो निशान मिटाने का हमारा भारत कार्य करेगा। आज से 500 साल पहले क्या मीडिया था, सोशल मीडिया था? यही औरंगजेब हमारे हिंदुओं को इससे भयंकर मौत देता था। जो अत्याचार आज हम टीवी में देख रहे हैं ना, इनसे ज्यादा अत्याचार हमारे हिंदुओं पर इन मुगलों ने किया। इनका एक सपना है गजवाए हिंद का, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना है, लेकिन इन गधों को ये पता नहीं तुम सपना देखते रहो, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले ओल सिटी का वो ओएसी ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक है, वो कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है, तो उसको मैं कहना चाहूंगा अरे ओवैसी हम पहले तो हिंदुस्तानी है। तेरा तो मुझे पता नहीं कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, तेरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूँ, इस झंडे के लिए मर सकता हूँ, ये मेरा देश है। और आज मैं तुझे जवाब देना चाहूंगा, जो तू झंडा लगाए ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है, और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है, हम इज़राइल के साथ है। जो आतंकवाद के खिलाफ जो दोष रहेगा हम उसके साथ है, और जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा उसका नामो निशान मिटाने का हमारा भारत कार्य करेगा। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर ठोकोगे, बेटा हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये दो चूहों को पिंजरे में पकड़ के वो पाकिस्तान भेजेंगे। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इज़राइल पर हमला किया गया। अरे अगर कोई भी इंसान एक जानवर का भी अगर बच्चा दिखे तो उसको क्या कहता है, अगर रोड पर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उठाकर बात साइड में रखते कि यार ये एक्सीडेंट ना हो जाए या इसे मार ना लग जाए। लेकिन ये हमास के आतंकवादी, ये फिलिस्तीन के आतंकवादी, ना बच्चा देखा, ना बूढ़ी देखी, ना औरत देखा, बलात्कार करते गए सबका, बच्चों को काटते गए, बच्चों को मारते गए। ये आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे बताओ, देखा है ना? कैसा देखा है? मीडिया में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है। लेकिन आज से 500 साल पहले क्या मीडिया था, सोशल मीडिया था? यही औरंगजेब हमारे हिंदुओं को इससे भयंकर मौत देता था। जो अत्याचार आज हम टीवी में देख रहे हैं ना, इनसे ज्यादा अत्याचार हमारे हिंदुओं पर इन मुगलों ने किया। ये हमें भूलना नहीं है मेरे भाइयों, ये इतिहास है। भले ही 500 साल के बाद में औरंगजेब खत्म हो गया, खिलजी खत्म हो गया, अकबर खत्म हो गया, लेकिन इनकी जो सोच है ना वो खत्म नहीं हुई। आज भी उसी प्रकार से हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, आज भी लव जिहाद के नाम पर इनका जाल फैलते जा रहा है। इनका एक सपना है गजवाए हिंद का, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका सपना है, लेकिन इन गधों को ये पता नहीं तुम सपना देखते रहो, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं।